हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा ग्लाराडिया है और इसकी मैंने इसकी तो प्रूनिंग कर दी, और ये वाला रेड वाला जो है वो इसमें लगा हुआ था, तो मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दिया है इसमें, क्योंकि बहुत छोटा पॉट था दूसरे इसमें। काफ़ी छोटा पॉट है दूसरे, इसमें काफ़ी पानी भी नहीं रुक पाता था, सारा निकल जाता था। तो अब इसकी भी प्रूनिंग कर रही हूँ, और ये शेड में रखा हुआ था तो इसलिए इसके ये फूल वगैरह जो हैं लगी लगी हो गए हैं, और लंबी लंबी ब्रांची हो गई हैं, तो इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी रूट प्रूनिंग भी की है, देखें ये सारी जड़ें बिल्कुल बहुत बुरी तरह से राउंड राउंड हो गई थी, तो ये भी मैंने रूट प्रूनिंग की है, और ये जड़े मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने अभी खूब ढेर सारी देख रही है, देखिए पूरी गुड़ाई करने के बाद में इसमें मैंने खूब ढेर सारी खाद डाली, और इसके ये जो पत्ते वगैरह है वो मैंने इसी में डाल दिए कट करके, जो भी बेकार रूट्स वगैरह जो थी वो सब मैं इसी में डाल दे रही हूँ। गोबर की खाद खूब ढेर सारी मैंने डाली है अभी इसमें, ये देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर गोबर की खाद ही डालती हूँ, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो क्योंकि गार्डनिंग है महंगा शौक नहीं रखना है, गार्डनिंग का सस्ता शौक ही रखेंगे हम, तो इसलिए मैं इसमें इस तरह से प्रून करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ही प्रून करने के बाद में आपको खाद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खाद नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कटिंग के बाद में अब इसमें न्यू ग्रोथ तभी स्टार्ट होगी जब इसे खूब अच्छी खाद मिलेगी, पानी मिलेगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा, तभी अच्छा करेगा ग्रोथ, वरना ये वहीं का वहीं रुक जाएगा, हो सकता है सूख भी जाए। तो इस तरह से सारी प्रूनिंग करने के बाद में जितने भी ये सूखे हुए फूल हैं या बेकार फूल हो गए हैं उन सबको कट कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल आड़ में रखा था तो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, बस पानी भी लगाना मुश्किल होता है, इन गुलाब के पीछे रखा हुआ था, तो अभी से मैंने बाहर निकाल के इसकी रूट प्रूनिंग की है, इस वाले की रूट प्रूनिंग भी कर दी है, और कटिंग भी ज़रूरी है, तो कटिंग वगैरह करने के बाद में मैं इसमें अब ये ऊपर से मिट्टी डाल दी है, जिससे कि खाद डालने के बाद में जिससे कि ये खाद पानी के साथ बाहर ना आए। और रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ढेर सारे पत्ते पत्ते जो थे उसमें पानी ले ही नहीं पा रहा था प्लांट, बहुत बुरी हालत हो रही थी उसकी, तो मैंने सोचा चलो इसे रूट प्रूनिंग करने के बाद में ट्रांसप्लांट ही कर दूँ, और इस तरह से इसमें हम पानी डालेंगे, खूब अच्छे से पानी डाल देंगे जिससे कि ये पानी पूरे प्लांट को मिल जाए। ऐसे मिट्टी से थोड़ा अलग कर दूँ इस तरह से ऐसे, तो ये छोटे छोटे जो ज़्यादातर बहुत छोटे प्लांटर हैं उन्हें मैं ख़त्म ही कर देती हूँ इस तरह से ऐसे। और मैं तो काफ़ी प्लांट तो मैं दे भी आई थी, सदाबहार दे आई थी, जो मेरे पास 2-3 प्लांट थे वो मैं काफ़ी दे आई थी, तो मैं पास पड़ोस में, क्योंकि पास में देने से ऐसा होता है शिपिंग चार्ज भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपने जाओ दे आओ, खुश हो जाते लेने वाले भी, तो मैं इस तरह से इसकी रूट प्रूनिंग कर दी, ब्रांच प्रूनिंग कर दी, और खाद भी दे दी। अब इसे हम एक दिन के लिए शेड में रखेंगे, क्योंकि वैसे तो धूप का प्लांट है, मगर फिर भी क्योंकि इसे हमने निकाला है, वैसे तो रूट डिस्टर्ब नहीं की है, मगर हाँ रूट प्रूनिंग की है, थोड़ी रूट कट की है, तो थोड़ा शेड में ही रखेंगे 4-5 दिन, फिर धीरे धीरे इसे लेके धूप में आएंगे। इस तरह के जितने भी बॉल बन जाएँ जो होते नहीं, ये रूट बॉल जितने भी बन जाएँ, इन सब को कट कर दो, जिससे कि यहाँ पे न्यू ब्रांचें आए और न्यू फूल आए तो अच्छी रहेंगे इस तरह से। और इसमें पानी आप इसके ऊपर से मत डाला कीजिए, मिट्टी में सीधे दीजिएगा, अगर पाइप से भी दे रहे हैं तो। तो ये मेरी हो गई कंप्लीट इसके काम, अब इसे मैं शेड में रखूँगी, वहीं पे रखूँगी जहाँ छाया थी, और खूब अच्छे से ग्रो हो, सर्वाइव करे। तो इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाला, ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत तेज़ महक आ रही है इसकी। चलो फिर फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मेरी वीडियो देखते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।